बीजेपी एमएलसी और कोली महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दादा पाटिल के जन्मदिन पर आज राज्य भर के असंख्य कोली संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शुभेच्छा दी। इस अवसर पर रमेश दादा पाटिल को मुंबई के राजनीतिक, सामाजिक और उद्योग क्षेत्र की कई हस्तियों और अधिकारियों ने भी बधाइयां दी। शुभेच्छा देने वालों का आभार जताते हुए खुद विधायक रमेश दादा पाटिल ने कहा कि उन्हें जनता ने जो प्यार दिया है वह 20 सालों में लगातार किए जा रहे कार्यों का फल है। इसे जीवन में और काम करने की प्रेरणा मिलती है। देखिए रिपोर्ट। कोले महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी विधायक रमेश दादा पाटिल को उनके जन्मदिन पर असंख्य समर्थकों ने बधाइयां दी। अपने सरल स्वभाव और समर्पित जनसेवा के लिए लोकप्रिय रमेश दादा पाटिल को जहां राज्य भर के कोली समाज के नेताओं ने बधाई दी, वहीं तमाम विधायकों और सरकार के मंत्रियों ने भी उनकी जनसेवी राजनीति की सराहना करते हुए शुभेच्छा दी। अपने जन्मदिन पर मिले प्यार, सम्मान और बधाइयों के प्रति आभार जताते हुए खुद विधायक रमेश दादा पाटिल ने कहा कि यह सब 20 वर्षों की राजनीतिक सेवा और तपस्या का फल है। उन्होंने कहा कि जनता के इस प्यार और स्नेह से उन्हें और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है। मेरे जो जिन्होंने मेरे जन्मदिन में जो शुभकामनाएं दी है, पूरे महाराष्ट्र के मेरे समाज के लोग हैं, इतर समाज के भी लोग हैं। हमने गए 20 साल से हम इनके लिए सेवा कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, उनका जो कुछ प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हम छुड़वा रहे हैं। उनको जब जब चाहिए तब तब हमारे महासंघ के तरफ से उनको मदद होती है। तो आज मेरा गए 2 साल से कुछ जन्मदिन मनाए नहीं हम लोग ने, लेकिन कोविड के कारण से, लेकिन इस साल हमने जन्मदिन मनाया और सबको इन्वाइट किया। सब ने सोचा कि बाबा इस वक्त तो इस साल में तो दादा का जन्मदिन होना चाहिए, इसलिए हमने सब जो हमारे चाहते हैं पूरा महाराष्ट्र में जो जनजाति जमात का है और हमारे समाज का है, उन्होंने सब लोगों ने सोचा कि आज नई मुंबई में जाके दादा का जो जन्मदिन है वो जन्मदिन में अपन उपस्थित रहें और उनको शुभकामना दिए। नहीं, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है, जब अपन इतना परिश्रम करते हैं, गए 20 साल से हम लोग बहुत सारा परिश्रम किया है और वो परिश्रम करने के बाद जब जनता हमारी खुश रहती है तो अपने को भी जरा अच्छा लगता है कि हमारी जो जनता है, जो जनते का अपन जो काम किया है उसका रिस्पांस है, वो रिस्पांस यहाँ आके मिलता है, इसलिए हमको बहुत बड़ी खुशी होती है कि जो गरीब है, जो मतलब अंडर पावर्टी है, जिनको कुछ मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम से वो त्रस्त है, उनको जब हम मदद करते हैं तो निश्चित तरह से मुझे उनका मेरे ऊपर उनका ये है, मतलब भरोसा है कि दादा जो है वो महाराष्ट्र में जो गौर गरीब जनता है, जो समाज की गौर गरीब जनता है, उसको सहायता करते हैं, इसलिए वो यहाँ मेरे शुभेच्छा देने के लिए आते हैं। और मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि वो जनता मेरी जो आती है, जो गरीब जनता है, जो पिछड़ी वाली जनता है, वो मुझे शुभकामना देने के लिए आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।